दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास के बारे में। ये आपका टॉपिक है जो नेट के पेपर में आने वाला है। मेरे साथ आप यहाँ एक क्विक रिवीजन कर पाएंगे, जल्दी से रिवीजन कर पाएंगे, ताकि अगर इससे कोई प्रश्न आपके पेपर में आए तो छूटे नहीं। अगर हम बात करें विकास क्रम की, तो अपभ्रंश से अर्धमग्धी और अर्धमग्धी से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी से अवधि का विकास हुआ। अवधि अर्धमागधी से विकसित पूर्वी हिंदी की प्रतिनिधि बोली है। अयोध्या में बोले जाने के कारण इसे अवधि कहा जाता है। अयोध्या का प्रदेश कोशल के अंतर्गत आने की वजह से इसको कोसली भी कहते हैं। इसके अन्य नाम जो हैं वो बैसवाड़ी और पुरबिया है। उद्भव के बारे में बात की जाए तो लगभग 1000 ईस्वी से 14वीं ईस्वी शताब्दी तक काव्य भाषा का रूप इसने प्राप्त कर लिया था। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले जो प्रमुख कवि हैं वो हैं मुल्ला दाऊद। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी अवधि का स्वर्ण काल माना जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रज भाषा तथा अवधि में समानाधिकार से रचना करने वाले तुलसी एकमात्र कवि हैं। अवधि भाषा फिजी में भी बोली जाती है। आधुनिक कवियों की बात की जाए तो त्रिलोचन शास्त्री ने अवधि भाषा में कविताएँ की हैं। इसे बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। अवधि के विकास की 3 परिस्थितियां हैं: प्रारंभिक परिस्थिति, विकासशील परिस्थिति और विकासशील स्थिति, सॉरी प्रारंभिक स्थिति, विकासशील स्थिति और विकसित स्थिति। अगर प्रारंभिक स्थिति की बात की जाए तो ये अंकुरण की अवस्था थी। इसके क्रम में अवधि भाषा और व्याकरण दोनों ही दृष्टियों से अविकसित अवस्था थी। इसका प्रारंभिक रूप हम निर्गुण संतों जैसे कबीर आदि की वाणियों में देख सकते हैं। अगर अब इसकी विकासशील स्थिति की बात करेंगे तो साहित्यकारों के प्रयोग किए जाने के कारण इस अवस्था में अवधि भाषा परिष्कृत और परमार्जित होने लगी थी। जैसे कि पद्मावत इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। ये इसकी विकासशील अवस्था कहलाएगी। और अगर विकसित अवस्था की बात की जाए तो राम भक्ति साथा के कवियों द्वारा इसका पूर्ण विकसित रूप हमारे सामने आया था। ये अब ये व्याकरणिक दृष्टि से दोष मुक्त हो चुकी थी चली थी और अवधि का शुद्ध व विकसित रूप तुलसी जी की अमर कृति में रामचरितमानस में है। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होगी, लेकिन अभी आपको एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। ये किताब भी, मेरी पुस्तक भी इसी चीज़ पे आधारित है कि आप बहुत सारी जगहों से पढ़ने के बाद अगर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो आपकी परीक्षाओं में आपको ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना रहती है। अवधि के 3 रूप हैं: पश्चिमी अवधि जो खीरी, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर और फतेहपुर में बोली जाती है। पुरानी अवधि जो इलाहाबाद, जौनपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर और मिर्ज़ापुर में बोली जाती के कुछ भाग में बोली जाती है। केंद्रीय अवधि के जो भाग हैं वो हैं रायबरेली, बहराइच और बाराबंकी। काव्य भाषा के रूप में अवधि 2 रूप में हमारे सामने आती है: एक ठेठ अवधि और साहित्यिक अवधि। जो ठेठ अवधि है वो सूफियों द्वारा प्रयुक्त हुई थी। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संपूर्ण श्रेय मुल्ला दाऊद को है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मंझन जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद आदि सूफी कवियों का काव्य ठेठ अवधि में रचित है। तुलसी मानदास, बाबा रामचरण दास, महाराज रघुराज सिंह आदि का जो राम काव्य है वो साहित्यिक अवधि में। अब बात कर लें विधि की विशेषताओं की, तो अवधि में अर्धसंवृत है, महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति है, जैसे दौड़ को धौड़, पेड़ को फेड़। संज्ञा 3 रूप में मिलती है: बेटा, बिटवा और बिटौना। खड़ी बोली के ने परसर्ग अवधि में नहीं है। अवधि में सा और शा का उच्चारण सा है। द्वित्व व्यंजनों को सरल कर स्वर में दीर्घता आ गई है, जैसे भक्त को भत्त या भात, मित्र को मित्त या मीत। ना, ला और मा के महाप्राण रूप में ह और लह या मह का प्रयोग होने लगा था, जैसे उष्ण उन्न, ब्राह्मण ब्राह्मण। सामान्यतः वर्तमान काल अन्य पुरुष की क्रियाओं में इकारांत रूप मिलते हैं, कहीं कहीं ई के ए रूप वाले रूप भी
प्राप्त होते हैं, जैसे चलई को चले पश्चिमी रूप और चल इसका पूर्वी रूप सामने आया। अवधि की गिनती भी कुछ हिंदी की गिनती से भिन्न है, जैसे दुई तीन छह ग्यारह पहल दूसर तीसरे, ये गिनती के में प्रयुक्त शब्द हैं। इसके बाद अगर बात करें अवधि की रचनाओं की, तो चंदायन, मुल्ला दाऊद, हरिश्चरित्र, लालदास, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, मृगावती, कुतुबुन, पद्मावत जायसी, अखरावत जायसी, आखिरी कलाम, कहरनामा, ये भी जायसी की, मधुमालती, मंझन, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामलला नहचू, ये तुलसीदास की, अवध विलास ये लालदास की, सीतायन रामप्रिय सरन की, बरवे नायिका भेद रहीम, चित्रावली उस्मान, ज्ञान रतन पोहकर, ज्ञानदीप शेख नवी, कनकावती नियामत खां जिन्हें जान कवि भी कहते थे, पोपावती हुसैन अली और हंस जवाहर कासिम शाह। इसके अलावा इंद्रावती, नूर मोहम्मद, अनुराग बासरी, नूर मोहम्मद और यूसुफ जुलेजा शेख निसार, ये अवधि की प्रमुख कृतियाँ थीं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, अवधि की प्रमुख विशेषताओं का आपको पता चल गया होगा। अपना साथ बनाए रखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।